दिल्ली 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 तो हम जानते नहीं है दिल्ली क्या होता है, दिल्ली जानते हैं, यही मेरा सार है। दिल्ली जिसे भारत का दिल भी कहा जाता है, ये शहर कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इस सपनों के शहर में रोज हजारों लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। कई सफल होकर यहीं के हो जाते हैं और कई निराश होकर वापस लौट जाते हैं। कहते हैं दिल्ली का दिल बहुत बड़ा है और कोई भी अमीर या गरीब व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से आकर यहाँ अपना गुजारा कर सकता है। देश के किसी कोने से काम की तलाश में आने वाले लोग हों या शिक्षा की खोज में आए छात्र, ये शहर सभी को पनाह देता है। हिंदुस्तान में दिल्ली एक ऐसा शहर है जो गरीब से गरीब आदमी आकर के यहाँ रह सकता है, गुजारा कर सकता है और कमा खा सकता है। दिल्ली एक ऐसा शहर आए तो इस शहर में सपना पूरा करने की वजह से, सपनों को शहर ऐसा ही कहते हैं। दिल्ली की अपनी ही एक खूबसूरती है जो इसे बाकी राज्यों से अलग बनाती है। यहाँ आपको हर जाति, धर्म और वर्ग के लोग मिलेंगे। यहाँ मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए चांदनी चौक में लगने वाले बाजार हैं, तो अपर क्लास के लोगों के लिए सिलेक्ट सिटी वॉक्स जैसे मॉल्स भी। इस शहर में इतनी विविधता होने पर भी ये शहर सबको बांध के रखता है। बरेली एक छोटा सा प्यारा सा शहर जहाँ की शामें जन्नत से कम नहीं होती, दिल को सुकून देती हैं यहाँ की शामें, सोचने को मजबूर कर देती हैं यहाँ की शामें, लोगों का गुरूर छीन लेती हैं यहाँ की शामें। लोग कहते हैं यहाँ देखने को कुछ नहीं, पर मेरे लिए तो पूरा आसमान खुला है देखने को। बरेली को नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ की हर दिशा में भगवान शिव के मंदिर स्थित हैं, जैसे अलकनाथ, बद्रीनाथ, धोपेश्वरनाथ, मणिनाथ, पशुपतिनाथ, तपेश्वरनाथ और तिब्बतीनाथ। माना जाता है कि इन मंदिरों में स्थापित लिंग खुद ही प्रकट हुए हैं। बरेली के लोगों का भगवान से जुड़ाव हमें सभी तरह की बीमारियों और नेचुरल कैलमिटीज़ से बचाता है। यहाँ की जरदोजी, बैम्बू वर्क, सुरमा और पतंग मांझे का काम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लॉकडाउन में पॉल्यूशन कम होने की वजह से मैंने पहली बार अपने घर से माउंटेन्स भी देखे। लोग कहते हैं कि यहाँ देखने को कुछ भी नहीं है, पर क्या उन्हें यहाँ की सड़कें नहीं दिखती, वक्त की चादर ओढ़ी पुरानी इमारतें नहीं दिखती, मेहनत करते हुए इन सरल लोगों की मुस्कुराहटें नहीं दिखती, क्या यहाँ का इतिहास नहीं दिखता? मुझको तो दिखता है और इतना ही काफ़ी है। हेलो, टुडे आई विल टेक यू टू द प्लेस आई बिलोंग,
माई विलेज चकभारो, यू कैन कॉल इट चकभारो चकभर, और द विलेज विद टू पॉन्ड्स आर बाई समवन्स नेम हु इज़ वेरी वेल नोन देयर. आई माइट नॉट बी द गुड स्टोरी टेलर, बट हेयर पीपल आर टू गुड व्हेन इट कम्स टू स्टोरी टेलिंग. दे विल जस्ट एक्ट द सीन और ट्राई टू मिमिक द पर्सन दे आर टेलिंग द स्टोरी अबाउट एंड नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीवन. दे आर वेरी सिंपैथेटिक, हार्ड वर्किंग, and they work as if they haven't acquainted with the word tiredness. They are very creative, and sad thing, they are not really aware. People here just love the nature and still use the old remedies for almost everything, and honestly, it works like magic. And you have to believe when they say organic, because you will get to see how they put their hearts into everything and try to stay as natural as possible. And here people are very sweet and innocent. Most of the people will literally believe in any absurd story you tell them, and others won't, no matter how real your stories are. And that's how you will never get bored here without being surrounded by any fancy thing. Here you are always rooted and in nature. Thank you. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Welcome to the city of lakes, to the city of Nawab and Begum, to the city of history and historical places, to the beautiful city Bhopal in the state of Madhya Pradesh. It is known for its various natural and artificial lakes. Now, I would like to show you some famous places in Bhopal. Tribal Museum. This museum in Bhopal takes you on an immersive journey through the culture of local tribes of the state. With the large colorful displays, it shows the art and culture of daily life. Shaurya Smarak. It is a war memorial inaugurated by PM Modi. It was the first war memorial of the country built in the memory of martyrs. It is developed as a public park in a very large area. Van Vihar. Van Vihar was formed from a depleted forest area in order to protect the rich flora and fauna. It is considered as the only national park inside the city. Tajul Masjid. It was built by the Nawab Shah Jahan Begum. It is inspired by the Mughal architecture. It is a very attractive and impressive masjid. Now it's time for the famous foods. Mughli cuisine is really famous in Bhopal, and you can find korma, chicken tandoori everywhere. The moment you step in the city, the first thing that catches your eyes here, it is unbeatable beauty. The clock tower that is situated in the center of the city is the prominent landmark of Dehradun city. Such as Dune School and Indian Military Academy, some other popular boarding schools also make Dehradun as important point of interest. People here in the city and the nearby places are involved in economic activities related to agriculture, education and business. Dehradun is a trendy hill tourist destination with its impeccable beauty. Whether you are a traveler, an adventure seeker looking for romantic escapes, the city has a lot to offer to everyone. Dehradun is a very well connected with other cities in the city. It has its own domestic airport known as Jolly Grant Airport. The culture of the city is unique, as people from different culture, background, communities and religious dwells here with ease. I sit by myself talking to them. Hai kaisa ye jahan ruki zindagi. गाड़ी की गति की दिशा में पहले डिब्बा
So here I'm starting with the delegate. Delegate of Ghaziabad is dating from 18th century or basically 300 year old, still contributing to economy of city. First story is an absolute mess with heartless repair done to it. Secular structures like gateways have to bear the brunt of modernization since no one has an emotional connect to them. So my second location is Indrapuram. Indrapuram in Ghaziabad, known for its greenery and its cleanliness. It is a hub to many peoples working nearby to Noida and New Delhi. Within the few years, it has shown the development in many areas and several entertaining places have come. Third is City Forest. City Forest in Ghaziabad is a public park developed by GDA to streak out the public park for an artistic view. It is a hometown for many birds and a good source to provide the fresh air to the city. Dudeshwar Nath Mandir in Ghaziabad is an ancient Shiva temple popular among Shiva devotees in the Delhi NCR region. The temple houses Shiva in lingam form and it is said to be at least 5,000 year old. Ravan is believed to have meditated father Biswarswa Harsh here. Ravan was also worshipped here. So the interesting fact about this temple is, according to the legend, this temple is located on the place where many years ago a cow had given her milk into a hole which was dug by her, and Lord Brahma happens to pass by the site when this occurred. The place where this incident occurred was later made into a temple by the local Hindus and dedicated to the Dudeshwar Nath Mandir. होश बातों का अक्सर नहीं था, दिल हमारा तो शायर नहीं था, तूने लिख दी ये तकदीर वरना इश्क वाला मुकद्दर नहीं था। तेरी नजरों के धर्म छुटे हैं तीनों धर्म, किए जा तू किए जा, अभी कुछ और सितम नहीं संभल।